अम्बाला में इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे, जिससे पहले जिले में कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच शुक्रवार को अम्बाला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बाला के उपायुक्त अशोक शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उपायुक्त ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। बता दें कि अम्बाला में होने वाले राज्य स्तरीय आयोजन में इस बार हरियाणा पुलिस के 405 जवानों की विशेष टुकड़ी हिस्सा ले रही है। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ियों के साथ साथ पुलिस विभाग के स्निफर डॉग्स की परफॉर्मेंस आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं सैकड़ों स्कूली बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। पुलिस की पीटी बैंड सब बहुत अच्छे हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे करने जा रहे हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो हैं ज़िले में किए गए हैं? देखिए, सभी SHOs को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो एक तो रात के टाइम में गश्त अच्छी करें, प्लस जो भी हमारे बस स्टैंड्स हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, उनमें कौन आके ठहर रहे हैं उनकी वो ऑलरेडी एक हफ्ते से चेकिंग स्टार्ट कर दी है। बाकी इवनिंग में भी इवनिंग डोमिनेशन और आज रात को भी नाइट डोमिनेशन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से रखा गया है, तो पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं। सर, नाकेबंदी भी बढ़ाई गई है? हाँ बिल्कुल, नाकेबंदी वगैरह भी हमने जो नाके लगाते हैं उनको भी थोड़ा टाइम बढ़ा दिया उनका, और बाकी ये जो प्रोग्राम है स्टेट लेवल का, इसके लिए भी हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।